पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दांग स्कूल में पुरानी पेंशन बहाली मंच के पदाधिकारियों की एक बैठक की गई, जिसका उद्देश्य पुरानी पेंशन बहाली के लिए आगामी आंदोलन को सफल बनाने हेतु रणनीति तैयार करना था। प्रश्नीय आह्वान पर दिनांक 21/1/2019 को अंबेडकर पार्क सिविल लाइन में धरना दिया जाएगा। मीटिंग में सर्वेश कुमार शर्मा जिला अध्यक्ष ने समस्त शिक्षकों से धरने में पूर्ण संख्या बल के साथ पहुंचने की अपील की। श्रीकांत यादव संयोजक ने संचालन करते हुए समस्त कर्मचारियों से 21/1/19 को अपनी मांग जोर शोर से उठाने हेतु एकत्रित होकर धरने को सफल बनाने की अपील की। जेपी मौर्य मंडलीय अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने धरने को सफल बनाकर एकजुट होकर अपने भविष्य के प्रति जागरूक होने की अपील की। सैयद आसिफ हसन मंडल मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने समस्त धारक दलों से अपील की कि वह अपने बच्चों का भविष्य और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए तन मन धन से एकजुट होकर इस धरने को सफल बनाए। बैठक में कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी संघ बिहाली मंच के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच था हमारा, जो पुराना बना हुआ है, पूर्व से गठित है। इसमें हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा आंदोलन पिछले चरण में भी काफ़ी कुछ रहा और बहुत सारे प्रदेश का कर्मचारी, एक एक विभाग का कर्मचारी एकत्रित होकर और उसकी एक ही मांग थी कि उसको पुरानी पेंशन मिले। और हमें बहुत आश्वासन भी मिला, हमें बातचीत के आमंत्रण निमंत्रण भी मिले। और जब हमने लखनऊ में विधानसभा घेरी, लखनऊ में जब हमारी विधानसभा घेरी गई तो हमारे जो प्रांतीय पदाधिकारी हैं, हमारे प्रांतीय जो इस कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिनेश चंद शर्मा जी और जो हमारे प्रांतीय इसके संयोजक हैं श्री हरिकिशोर तिवारी जी, उन दोनों को ही आमंत्रित किया गया। शासन ने वार्ता भी की और हमने शासन के द्वारा दिए गए हर आश्वासन पर यकीन किया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जितने भी हमें आश्वासन दिए गए और जो जो उन्होंने हमसे कहा, वो हमने सब उनकी बात मानी। हमारे एक ही मांग थी कि हमारी पुरानी पेंशन बहाली की जाए। उन्होंने हमारा आंदोलन स्थगित कराने के लिए हमसे कहा, हमने अपना आंदोलन भी माननीय मुख्यमंत्री के आश्वासन पर स्थगित किया और उन्होंने 2 महीने के अंदर एक कमेटी बना के हमारी जो पुरानी पेंशन बहाली करने का जो है उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन हमें आज ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे जो वर्तमान सरकार है और हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो हमें आश्वासन देने के बाद भी हमारी पुरानी पेंशन आज तक बहाल नहीं करा पाए। तो उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कर्मचारी जो है, पूरे प्रदेश का कर्मचारी, पूरे प्रदेश का शिक्षक आदरणीय दिनेश चंद शर्मा जी के और हरिकिशोर तिवारी जी के नेतृत्व में और यहाँ मुरादाबाद में आदरणीय सर्वेश शर्मा जो जिला अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के, हमारे कर्मचारी बहाली मंच के, पेंशन बहाली मंच के भी अध्यक्ष हैं श्रीकांत यादव जी हैं, इनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश में एक नए सिरे से हम आंदोलन करेंगे। और अब हमारा आंदोलन जो होगा वो आर पार का आंदोलन होगा। पूरे प्रदेश का कर्मचारी जो है इस टाइम एक है, पूरे प्रदेश का शिक्षक एक है और हमें हर हालत में हमारी जो पुरानी पेंशन, जो हमारा अधिकार है, जो हमारा भविष्य है, जिसकी वजह से हमने अपनी जवानियां बर्बाद की हैं और अपनी जवानी इन सरकारों के आगे गिरवी रखी है, तो हमें वो पेंशन, जो हमारा अधिकार है, वो पेंशन हमें चाहिए। उसी को चरणबद्ध करने के लिए जो हमारे प्रांत से निर्देश हैं, तो उसमें 21 जनवरी को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक हमारा अंबेडकर पार्क में धरना होगा। पूरे जनपद मुरादाबाद का एक एक शिक्षक, जनपद मुरादाबाद के समस्त विभागों के एक एक कर्मचारी वहाँ उस धरने में उपस्थित होंगे और हम पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा चरण जो है वो 28 जनवरी का होगा, जिसमें हम शाम को 4 बजे मशाल जुलूस निकालेंगे और वो अंबेडकर पार्क से जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय तक हमारा जो है वो जुलूस निकलेगा, मशाल जुलूस। उसके बाद 6 फरवरी से 12 फरवरी तक हमारी महाहड़ताल होगी, पूरे प्रदेश में हड़ताल होगी और जो है उसी में हम फिर अगले, हो सकता है हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़े, तो उसी दिन फिर हम अपनी अगली रणनीति की भी घोषणा करेंगे। लेकिन हम कन्फर्म हैं कि अब की बार, क्योंकि मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पद होता है और संवैधानिक पद होता है और उत्तर प्रदेश का प्रथम व्यक्ति होता है, तो हमारी कर्मचारी होने के नाते हमारी भी कुछ सीमाएँ थी और हमें, क्योंकि अनुशासन अपने विरासत में मिला है, इसलिए हमें मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बात को मानना था। हमने उनकी बात मानी लेकिन वो अपने आश्वासन पे खड़े नहीं उतरे, इसलिए पूरे प्रदेश का कर्मचारी, पूरे प्रदेश का शिक्षक अब सड़कों पे उतरने के मूड में है। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें या तो पेंशन दो या हमें मौत दो।